वाला है बिग बॉस, ये क्या होता है? सलमान खान तो यही नहीं, अभी तो करण जौहर तक है, दोनों है सलमान सर भी है और करण जौहर भी है। देखो अब करण सर, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, सो करण सर हैज डन अमेजिंग जॉब और वो बहुत ही विटी हैं, तो मुझे लगता है जितने भी कंटेस्टेंट इस बार आ रहे हैं सबकी वाट लगने वाली है, और मतलब वाट बहुत ही क्रेजी वे में, सो आई एम हैप्पी। और फिर डबल वाट लगाने के लिए तो हमारे खान साहब आए रहे हैं, सो सबकी आज लगेगी। तो दोनों अलग अलग हिस्सों पे लगाएंगे ना सबकी वाट, अच्छी बात है। कितना साल चलेगा भाई, पूरा साल बिग बॉस चलेगा क्या? हर छह महीने चलता है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी खत्म हुआ था अभी आ गया। नहीं 90 डेज चला फिर 120 डेज ऐसे लगता है, बिकॉज़ ऑफ क्यों, क्योंकि मैं देखता नहीं ना, मेरे को टाइम नहीं रहता। बहुत बढ़िया करता है, मैं भी देखता हूं के बारे में। मैं तो चाहती हूं कि बिग बॉस में वो और मैं बिग बॉस 15 में जाए, और फिर सलमान जी और बिग बॉस उनकी वाट लगाए, ठीक है। आदित्य जी, अभी बिग बॉस आ रहा है, उसमें होस्ट करण जी कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत मुबारकबाद करण जी को, कलर्स को, बहुत पॉपुलर शो है और तो देखते हैं, मेरी शुभकामनाएं। तो सलमान जी को कितना मिस करेंगे पब्लिक? आप वो सलमान जी हैं भाई, सलमान जी को मिस नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? सर आप भी जाने वाले बिग बॉस 15 में? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी होस्टिंग होस्टिंग का ऑफर आ जाए तो कर लेंगे हम। कश्मीर में अभी बिग बॉस है जो ओटीटी पे आ रहा है, तो मैम क्या कुछ कहना चाहूँ? बहुत गालियाँ होने वाले हैं, बैंड बजाने वाले सब सबके, और हम यहाँ बैठ के ट्विटर पे बैंड बजाएंगे। आप होस्टिंग इस बार करण सर करे, क्या बोल रहे हैं? अरे आई लव करण सर, तो आई एम वेटिंग। अरे मजा आएगा करण सर के, तो उनका वो इम्प्रॉम्प्टू और वो जो मस्ती करेंगे ना सब लोगों के साथ, मस्ती इज ओवर द टॉप ना। और छह महीने चलने वाला है ये। हाँ, और ओटीटी पे है तो गालियों के साथ आपको और भी मजा मिलेगा। हम भी बहुत गालियां यहाँ से है ना, इधर तो क्या होता है टीटी करके उसको लोगों को पता है, बीप कर देते हैं, तो बीप में ना लोग पकड़ लेते हैं कि ये बहन की गाली थी, कौन सी गाली थी, चाचा को गाली थी, ताया को गाली थी, माँ की गाली थी, पता चल जाता है। लेकिन अभी क्या खुली खुली गाली आपको ओटीटी पे सुनने मिलेगी, और यानी मैं अगर दे तो मैं गाली दे सकता हूं, और अभी आपको मेरे ख्याल से बिग बॉस कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कंट्रोवर्सी नहीं, अभी आपको मजा भी आएगा। आई थिंक वो लोग अभी कभी भी रात को वो सोते थे और फिर उसके बाद सुबह ही दिखाते थे, तो आई थिंक अभी नाइट वर्जन्स भी देखेंगे। इट्स गोना बी मोर फन, मुझे ऐसा लगता है ओटीटी पे अगर नाइट वर्जन भी होंगे ना मेरे ख्याल से। आप जाएंगे कि नहीं? मैं कभी नहीं गए, मैं जाऊंगा स्टेज पे, मैं जाता हूँ स्टेज पे जाता हूँ और छोड़ने के लिए इनको, या लास्ट टाइम आरती को छोड़ने गया था, फिर ये लास्ट टाइम ये फिर से गई थी तो फिर इनको छोड़ने गया था, तो मैं मेरा मजा मजा आता है भाई के साथ मुझे, एक्चुअली सलमान भाई के साथ स्टेज पे मैं हमेशा, कितने साल गया, 7-8 साल, मैं जब बचाव करते थे हम तब से मैं और भारती तो जा ही रहे हैं। इसने मुझे बोला था कुछ तोड़ फोड़ मत करना वगैरह, तो मैंने सुना था, नेक्स्ट टाइम सुनूंगी सब तोड़ फोड़ के ही आऊंगी। नो कमेंट। पर इस बार सलमान सर नहीं रहेंगे, कितना करण सर है, कितना मिस। नहीं नहीं, सलमान सर को शो करना चाहिए वो जो टीवी पे आने वाला है, ओटीटी करण सर। मैम रुकिए, वो तो पता नहीं, आई थिंक चैनल और उनका क्या है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि कोई बायस्ड या फिर बहुत पॉलिटिकल हो रहा हूँ, लेकिन करण सर का अपनी अपना स्टाइल है, सलमान भाई डेफिनेटली मतलब टेलीविजन पे तो बिग बॉस मीन सलमान भाई, तो भाई के साथ तो मजा ही आता है। हाँ हो सकता है, या इट बी फन, या इट विल बी फन, करण सर डेफिनेटली। तो आप दोनों गेस्ट के जाएंगे क्या? मैं तो कॉन्टेस्ट में बन के जाऊंगी, मुझे बैंड बजाएगा नहीं, मेरे को ना डर लगता है। आई लव बिग बॉस, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे पसंद नहीं, कोई बहुत बहुत बढ़िया शो है, मैं हमेशा देखता हूँ, लेकिन मुझे घबराहट होती है कि वो 4 महीना में अंदर कैसे रहूँगा यार, मेरे को डर लगता है बहुत। मैं तो मतलब मैं इतना सीधा साधा आदमी, ऐसा सीधा साधा लोग ही अंदर गड़बड़ करते हैं ना, बिल्कुल, इसलिए मुझे डर लगता है जाने से, कैसा ना हो कि कुछ गड़बड़ कर दूं मैं, मुझे पता नहीं है। सजेशन ले सकते हैं ना मैम से और आरती मैम से, इनसे सजेशन लेके मारना थोड़ी अंदर लोगों को, तो इनसे सजेशन नहीं लेता बिग बॉस का, तो बिल्कुल नहीं है कुछ भी। हाँ नहीं, बट ये भी राइट के लिए, चलो चलो हो गया। बिग बॉस ओटीटी पे आ रहे हैं, अच्छी बात है, करण जो होस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होस्ट करण जोहर जी कर रहे हैं, हमको तो सलमान भाई चलते हैं। गुड लक, सब यही बोल रहे हैं, सही डू है। बिग बॉस की बात चल रही है, कहाँ चल रही है, आप लेके आए कब करी आपने लेके आए ना बात को,
अरे कैन वी डू दिस लेटर है देयर कॉलिंग अस ओटीटी पे आ रहा है उसके बारे में क्या कहना सो वी कमेंट टू दैट आके बोलो तुम बोलो अरे मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है बिग बॉस के लिए बिकॉज़ ओटीटी पे पहले आई थिंक कुछ ड्यूरेशन के लिए आएगा फिर उसमें जो शक्ल पे एक्साइटमेंट दिखा अभी क्या कुछ लूं मैं लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू डू डांस नो बट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़ 6 वीक्स इज गोना बी ऑन वूट ना एंड देन इट्स गोना कम ऑन टू द टीवी तो उसमें ब्रो देयर आर गोना बी टास्क्स एंड ऑल दैट्स व्हाट आई थॉट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हर साल की तरह यू नो द टीम हैज डन समथिंग क्रिएटिव आई फील अगेन दिस इयर सो दैट्स अमेजिंग यार यार आई थिंक करण जौहर इज नोन फॉर ओवर द टॉप तो आई थिंक एकदम परफेक्ट होस्ट मिला है बिकॉज राइट फ्रॉम उनके कपड़े टू उनके कोट्स टू उनके क्वेश्चंस जो वो लोगों से पूछते हैं वो ओवर द टॉप होते हैं तो आई थिंक ही इज द परफेक्ट होस्ट फॉर ओटीटी थैंक यू करण जी होस्ट करें बिग बॉस क्या बोलना चाहेंगे वाओ वेरी इंटरेस्टिंग हां वेरी इंटरेस्टिंग बड़ा मजा आएगा मैडम आप जाने वाले हैं कितना मिस करेंगे आप मैं तो उन्हें बहुत मिस करती हूँ आप जाने वाले हैं दादा छोड़ तक जाएंगे आपको जस्टिन जी वापस जाएंगे क्या बिग बॉस में मौका मिला तो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे बाय दादा आपका जाने आ रहा है करण जोर होस्ट करने वाले बिग बॉस इस बार क्या बात है मजा आप जाने वाले क्या वापस से ऑफर आए भाई अपने को तो सलमान खान ही चाहिए बोलनी भाई भाई सर बिग बॉस ओटीटी पे आ रहा है आप भी सुनने में आ रहा जा रहे हैं क्या है कुछ राज नहीं आपका हुआ ऐसा सुनने में आया नहीं हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ मैं अभी बता नहीं सकता कुछ बात नहीं कर सकता इस बार करण सर होस्ट करने वाले करण सर ना करण सर कमाल के हैं आई थिंक ही इज वन ऑफ द गुड होस्ट दैट आवर कंट्री हैज और वो बहुत विटी भी हैं फनी भी है सो ऑल द बेस्ट करण सर एंड सलमान सर तो रॉकिंग है एंड ही इज अमेजिंग करण जौहर बिग बॉस होस्ट करने आया आई एम वेरी हैप्पी करण जौहर का तो मुझे देखना है कि करण जौहर क्या करेगा और कंटेस्टेंट से कैसे बात करेगा क्योंकि क्या होता है ना सलमान खान का ऐसा टेरर है ना सलमान साहब का कि मतलब जब हम सलमान साहब के सामने बैठते थे तो हमें लगता था ओ गॉड आगे क्या होने वाला है एंड जब वो मुझसे बोलते थे मोहतरमा आप तो चुप ही रही आपके पास आ रहा हूँ तो मैं बोलती थी हो गया अभी करण कैसे एडजस्ट करेगा वो देखना है चेतना जी बिग बॉस अभी ओटीटी पे आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर और करण जो होस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग है आई थिंक हमेशा बिग बॉस बहुत धमाल वाला होता है सो इस बार और ज़्यादा टाइम के लिए है सो और ज़्यादा धमाल होगा लेट्स सी सलमान सर को फिर देखने पाए हाँ बहुत इंटरेस्टिंग तो होने वाला है एक्चुअली एंड या लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स दिस टाइम बिग बॉस आ रहे हैं करण जी होस्ट कर रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे आप Very good. I'm super excited. Yeah, I'm always a Karan Johar fan, and I'm waiting. How is he going to do it? It will be so excited. So good na yaar. Log Big Boss khatam hota tha, to sabko dukh hota tha. Abhi 6 mahina dekho Big Boss. Hina ji. I seriously feel for the contestants. My heart goes out for all the contestants. 6 Hina months. Ji. Thank you, bye. Bhai Big Boss aa raha hai. Uske baare mein. सब फैंस चाहते थे कि इस टाइम बिग बॉस में आप आओ तो उस पर क्या कहो बिग बॉस में एक्चुअली बोला जाए तो ओटीटी के लिए मेरे को बोला था उन्होंने बट मैं थोड़ा सा मेरी आई वॉज बिजी और कहीं और कमिटमेंट्स थी मेरे तो दैट्स व्हाई आई डिलेड दैट मे बी नेक्स्ट टाइम बट बिग बॉस में तो मैं आई मीन इट्स लाइक एक ड्रीम है कि आई एम गोना गो टू बिग बॉस बट सही टाइम पे और सही मोमेंट पे आई एम श्योरली गोना गो बस आने वाला क्या कहोगे हां बिग बॉस ऐसे तो कुछ लेना देना नहीं है बिग बॉस आप मुझे उस पे घिसोटो मत थैंक यू मैम थैंक यू ओ दीदी राखी जी थोड़ा इधर आ जाओ अगेंस्ट लाइक ठीक है इधर आओ आप भी घूम जाओ राखी जी मेरे पास हां बस थोड़ा जोर से सुनाई आप पंडित जी हैं अभी बिग बॉस आ रहा है ओटीटी पे बिग बॉस 15 ठीक है करण जौहर जी पहली बार एंकरिंग कर रहे हैं इससे पहले करण जौहर जी ने बहुत अच्छा शो किया कॉफी विद करण अभी हमारे बिग बॉस तो सलमान खान है ठीक है अभी करण जौहर जी का शो आ रहा है ओटीटी पे 1.5 महीना चलेगा आपको क्या लगता है ये जनता को कितना पसंद आएगा पंडित जी मेरा हाथ देखिए बताओ
ट्रांसफर है क्रॉस है उधर होगा थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो। हाँ क्या बोले कितना पसंद आएगा जनता को? काफी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा? पसंद आएगा। अच्छा काफी लोगों को पसंद आएगा और पावरफुल। तो आप मुझे बताओ जो करण जोहरी जो अपने बहुत अच्छा अलग अलग वो कपड़े पहनते हैं पंडित जी कैसे पूरा एकदम हीरो लगते हैं ना, तो उनको क्या टोटका करना चाहिए कि जब वो शो पे जाए एंकरिंग करें तो नींबू मिर्ची लेके जाना चाहिए, समोसा लेके जाना चाहिए, कॉफी लेके जाना चाहिए, चाय लेके जाना चाहिए, डंडा लेके जाना चाहिए, हॉकी लेके जाना चाहिए, के कपड़े बदलने आकर्षण है? आकर्षण है वैसा उसका आकर्षण। करण भाई आपका ये बिग बॉस शो हिट है, पंडित जी ने बोल दिया मतलब बोल दिया, आप बिग बॉस में जाएंगे सबका भविष्य के लिए? जाऊंगा। जाओगे? जाओगे। अच्छा मेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? उच्च है। तो एक बात बताओ क्या बिग बॉस 15 में फेमस हो गया? हाँ तीन चार महीने में काफी। और भी तो ये बताइए पंडित जी क्या बिग बॉस 15 में मैं जाऊंगी? जाऊंगी और विनर भी होंगे। रितेश शादी करके एक दिन वो इधर थे फिर वो भाग गए मतलब चले गए, तो क्या वो कभी आएंगे? मैं तो चाहती हूँ कि बिग बॉस में वो और मैं बिग बॉस 15 में जाएं और फिर सलमान जी और बिग बॉस उनकी वाट लगाए। ठीक है,